अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन आपको सुबह नूर में मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदना अशरफुन्नास सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से अशरफ, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। बड़ी कमाल हदीस पाक है, ज़रा दिल की समातों से इसे सुन लीजिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मैंने मशरिक को मगरिब को उलट पलट कर देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जैसा हसीन, बहादुर, रहमदिल, सखी और शरीफ मिजाज किसी को नहीं देखा। नाज़रीन जुड़े रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि ज़ाहिर अब वाक़ियात करबला का तसलसल है, तो आज इंशाअल्लाह ख़ानदान बनू हाशिम के किरदार पर, उनकी कुर्बानियों पर बात करेंगे। एक बात तो कैटेगोरिकल अपने जहन में बसा लीजिए, पैवस्त कर लीजिए अपने वजूद के अंदर कि सख्त तरीन आजमाइश में रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, रिश्तों की बुनत कैसे की जाती है, कोई जाकर हाशमियों से पूछे। सख्त तरीन आजमाइश में रिश्तों का पास कैसे रखा जाता है, जिसे आप दीद कहते हैं, कोई जाकर हाशमियों से पूछे। साहब अपने आप को और अपने घर को आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर कैसे कुर्बान किया जाता है, अपना सब कुछ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर कैसे लुटाया जाता है, और लुटाने के बाद भी ये सवाल किया जाता है कि हमने हक अदा किया कि नहीं किया, कोई जाकर हाशमियों से पूछे। साहब कि अपने जिगर गोशों को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन पर कुर्बान कैसे कर दिया जाता है, कोई जाकर हाशमियों से पूछे। पूछे जाकर कोई हाशमियों से कि वफाओं की दास्तानों को कैसे रकम किया जाता है, जानिसारों की दास्तानों को कैसे रकम किया जाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल से मोहब्बत की दास्तानों को कैसे रकम किया जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल से कमिटमेंट की दास्तानों को कैसे रकम किया जाता है, कोई जाकर हाशमियों से पूछे। कोई जाकर कि उस वादे को, जिस वादे को बहुत गौर तलब बात है नाज़रीन, ये मामला सिर्फ करबला 61 हिजरी का नहीं है, इस मामले की इब्तिदा तो मक्के की फिजाओं से हुई थी, मक्के की गलियों से हुई थी। लिहाजा उस वादे को, जिस वादे को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मक्के पाक की घाटियों में अपने भतीजे से किया था, उस वादे को वफा 61 हिजरी में करबला के मैदान में कैसे किया जाता है, कोई जाकर हाशमियों से पूछे। साहब कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अगर मैं ये कहूँ कि कुर्बानियों की और जानिसारियों की और कमिटमेंट की और वफाओं की अगर कोई किताब हो, तो उसका मुकदमा या यूँ कहिए कि उसका सरनामा कलाम अगर किसी हस्ती ने लिखा है, तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि उनका ये जुमला आज भी नाजरीन, आज भी वफाओं का एक ऐसा मीनार है कि जिसने पूरा कंडक दे दिया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, प्यारे भतीजे हैं और प्यारे चचाजान देख रहे हैं कि कुफ्फारे मक्का इस वक्त मुकम्मल तौर पर तुले बैठे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को माज़ल्लाह शहीद कर दें। थ्रेड पर थ्रेड हैं, थ्रेड पर थ्रेड हैं, थ्रेड पर थ्रेड हैं, और आलम यह है कि मुस्तकिल उनको प्रेशर किया जा रहा है। और उस वक्त जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जुमला फरमाया था कि बेटे जाओ, जाओ और जैसे तुम्हारा दिल चाहे तबलीग करो, खुदा की कसम मैं किसी भी चीज़ के अवज तुम्हें इनके हवाले नहीं करूँगा। चश्मे फलक ने देखा नाज़रीन कि मक्के की गलियां हों या शेबी अबी तालिब के 3 बरस हों, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का मामला तो बहुत बाद में जाके आता है ना, सरकार अलैहिस्सलाम पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बनू हाशिम अब्ने मनाफ, ये सारी जितनी भी यूं कहिए कि सुनहरी लड़ियाँ हैं, ये सब सरकार अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होने को तैयार रहीं। यहाँ तक के बदर से लेके जंग मौता तक उठा लीजिए तारीख को, आपको बनू हाशिम अपने आप को सरकार अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होते हुए नजर आएंगे। और वहाँ भी बात ना रुकी नाज़रीन,
جنگ موتا سے نکلیے اور پھر جائیے 61 ہجری میں میدان کربلا میں, اور میدان کربلا میں تو بعد میں جائیے نا, پہلے تو مدینہ پاک میں جائیے کہ جس وقت ان کو پریشر دے کر مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو بنو ہاشم نے ساتھ نہ چھوڑا. مکہ پاک گئے, مکہ پاک کو چھوڑنا پڑا, بنو ہاشم نے ساتھ نہ چھوڑا. راستے میں چلتے رہے, ہر منزل پر رکتے رہے, یہاں تک کہ پتہ چل گیا کہ کوفی وفا نہیں کریں گے, بنو ہاشم نے ساتھ نہ چھوڑا. یہاں تک کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام, حضرت عنی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا, حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا, بنو ہاشم نے ساتھ نہ چھوڑا. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں اور یہ ضروری ہے سرنامہ کلام میں بات جائے کہ وہ کون تھے صاحب. مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنے دو شہزادوں کو کربلا سے پہلے قربان کرتے ہیں اور خود بھی قربان ہو جاتے ہیں, کہیں جعفر بن عقیل, حضرت عبد الرحمن بن عقیل, حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل اور اپنے پوتوں یعنی حضرت عقیل کے پوتے اون اور محمد علیہ السلام قربان ہوتے, تو کہیں اب نام سنتے جائیے, ابو بکر بن علی, محمد بن علی, عثمان بن علی, حضرت جعفر بن علی علیہ السلام قربان ہوتے ہیں, اور کہیں عباس علمدار علمداری کا حق ادا کرتے ہیں, اور کہیں میدان کربلا میں امام حسن پاک کے چار شہزادے حضرت قاسم, حضرت حسن, مسنہ, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر علیہ السلام قربان ہو کر وفاؤں کے مینار بن جاتے ہیں. یہ ہے ہاشمیوں کی قربانی, یعنی 19 چاند کائنات کے چاند کے نواسے پر قربان ہو گئے. آغاز کرتے ہیں, جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے, دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید بنولی صاحب تشریف فرمائے, اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ, بزرگ شناخہ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں آپ سے, خاندان بنو ہاشم کی قربانیاں, میں چاہتا ہوں اس ربط کو آپ تاریخ کے ان پنوں سے نکالیں کہ جہاں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے اور ظاہر کربلا تک پہنچتا ہے, لیکن خاص کر جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں ظاہر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس دور سے ذرا آغاز کیجیے. بہت شکریہ جنید بھائی, اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں قبول فرمائے. تذکرہ خیر آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں فرمایا, اور جس طرح وفاؤں کے مرکز کو آپ نے بیان کیا اور وفاؤں کی کشش جو ہے اس کو بیان کیا, یقیناً یہی آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اپنے فیملی سسٹم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے جہاں تک خاندان بنو ہاشم کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں رکھا اور پھر جس خاندان کو آپ کے وجود مسعود سے آگے پھیلایا, یقیناً وہ خاندان کائنات کا, کائنات انسانی کا چنیدہ خاندان ہے, سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ شرف, وہ فضیلت, وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جو بحیثیت خاندان کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے. اور اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دین کے پہنچانے پر, اس کے ابلاغ پر کچھ اور اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے مودت کے, فِي الْقُرْبَى, اپنی قرابت میں. اب یہاں پر مفسرین کرام نے اس کی دو قسم کی تفاسیر بیان کی ہیں. ایک تو یہ تفسیر بیان ہوئی ہے جو معروف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرابت اور اپنی قرابت رکھنے والوں کی مودت کو طلب فرما رہے ہیں. دوسرا اس تفسیر کے اندر یہ بھی اینگل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش کو, اہل عرب کو بالعموم یوں مخاطب فرما رہے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک قرابت ہے اور اس قرابت کا ایک حیا ہے, اس قرابت کے حقوق ہیں, اس قرابت کے کچھ آداب ہیں, اس قرابت کے کچھ تقاضے ہیں, تو چلو انہی قرابت کے تقاضوں کے پیش نظر ہی صحیح جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو قرابت ہے
वो फी नफ्स से ही कुछ हुकूक रखती है, कुछ आदाब रखती है। तो जहाँ ईमान एक हमें लड़ी के अंदर परो देता है और फिर हक और बातिल के तकाजे हमारे ऊपर लाजिम हो जाते हैं कि हम क्या करें, और जहाँ भी खड़े हूँ तो हक का साथ कैसे देना है और बातिल का सामना कैसे करना है, और ईमान के साथ कैसे खड़े होना है और कुफ्र का सामना कैसे करना है, वहाँ ये भी है कि जहाँ आपकी कराबत आ जाती है तो कराबत का दुगना हक हो जाता है। अब ख़ानदान बनू हाशिम जब हम इनको देखते हैं इस आयत मुबारका के तनाजुर में भी देखें, तो एक तो वो रिश्ता था जो रिश्ता हिदायत है, जो रिश्ता ईमान है, जो रिश्ता इस्लाम का है, दीन का है, फिर रिश्ता कराबत का था, और ख़ानदान बनू हाशिम ने दोनों रिश्ते निभाए अल्लाह, और दोनों रिश्तों को यूं निभाया है कि दोनों में बेमिसाल हुए अल्लाह। और उसकी दास्तान अगर हम आकलम की ज़ात अतहर से शुरू करें, विलादत बासादत से शुरू करें, आपकी शान यतीमी से शुरू करें, फिर ऐलान और बेसत के साथ पेश आने वाली मुश्किलात, मसाइब और आलाम, और उनमें किस तरह से बनू हाशिम आपके साथ खड़े हुए बतौर कराबत के, उसको देखें, फिर ईमान और हिदायत के बाब में किस तरह खड़े हुए, तो वो नज़ारा तो मैदान करबला तक आ रहा है। और यही नक्शा आपने खींचा अपने इंट्रो के अंदर, और आपके सवाल का बुनियादी नुक्ता भी यही था। अब जब हम देखते हैं तो आकल सलाम जो ही इजहार नबूवत फरमाते हैं, तब से ही ख़ानदान बनू हाशिम ने आपके साथ वो साथ दिया कि जिसका नुक्ता कमाल हमें करबला के अंदर नज़र आ रहा है। हज़रत अबू तालिब को देख लीजिए, आपने जिस तरीके से कुफार के सामने खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम की हिमायत और ताईद का मुजाहरा फरमाया, तारीख़ इंसानी के अंदर ऐसी हिमायत, ऐसी ताईद, ऐसी मदद, ऐसी मुआवनत का कोई दूसरा नमूना हमें नहीं मिलता, सर, मिल ही नहीं सकता है। और देखिए कि जब आका अलैहिस्सलाम के दादा जान का भी विसाल हो गया, तो फिर हज़रत अबू तालिब ने जिस अंदाज में पूरे आलम कुफ्र और कुरैश के सरदारों के सामने खड़े होकर, जिस जुरत के साथ, शुजात के साथ, फिर कुर्बानियां देकर, अपना माल लुटाकर, अपने असबाब लुटाकर, हतरा के शाब अबी तालिब की सारी तकलीफ़ें उठाकर, जिस तरीके से आका अलैहिस्सलाम के साथ लम्हा लम्हा साया बनकर खड़े रहे, तो वो कुर्बानी की दास्तान तो करबला में यही तस्वीर पेश करनी थी उसने, तो करबला तक हम देखते हैं। तो करबला के अंदर अगर हम देखें तो ख़ानदान बनू हाशिम के कितने जवान शहीद हुए, उसमें रिवायात अगरचे थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हैं, 18 का अदद भी मिलता है, बिल्कुल ठीक, 19 का अदद भी मिलता है, 22 का अदद भी मिलता है, 24 का अदद भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये 18 से 24 तक का जो अदद मिलता है बनू हाशिम के जवान जो शहीद हुए मैदान करबला के अंदर, ये कौन थे? आपने नाम भी लिए, बड़े खूबसूरत नाम लिए, और उन नामों से भी हमें पता चलता है कि सिहाबा किराम और अहले बैत अतहार के मां मोहब्बतों का आलम क्या था। और ये करबला एक दो हिजरी तीन हिजरी का वाकया नहीं है, जी हाँ, 61 हिजरी का वाकया है। तो उसमें देखिए कि अगर हम देखें तो हजरत मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम के बेटे खड़े हैं, जी जी, फिर आपके इमाम हसन मुज्तबा की औलाद है, इमाम हुसैन की औलाद है, या उसमें फिर आले अकील है, आले जाफिर है, और आले जाफिर हो, आले अकील हो, आले अली हो, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, इन सब को अगर देखें तो कौन है? वो हजरत अबू तालिब, आले अबी तालिब है। तो लिहाजा मैं यहाँ जनाबे अबू तालिब एक जुमला मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आज किसी को बाज़ अपने दलाइल की बुनियाद पर हज़रत अबू तालिब के बारे में अगर कुछ तहफ़ुज़ात हैं, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम उनके जो एहसानात हैं, उन एहसानात को देखिए, तो उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह। और देखें, अगर एक जुमले में अगर मुझे इजाज़त आप दें, मैं इसको यूँ ज़ूम करता हूँ बिला तमसील, कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम क़ुरबानियों का अगर एक शजर है, तो ये सब के सब उसके फूल हैं, बस बुनियादी बात ये। डॉक्टर साहब, अब आइए, जो बड़ा एक अहम नुक्ता है, और वो ये कि अब बहुत मुश्किल होता है कि किसी जिम्मेदारी को ओन करना, और जिम्मेदारी भी वो जो मतलब इमाम अली मकाम इमाम अलैहिस्सलाम की जो अता करदा जिम्मेदारी हो, मतलब सफ़ीर इमाम होना ये टाइटल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टाइटल है जो कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अता हुआ। बनू हाशिम में सफ़ीर इमाम जो हैं वो शहीद हैं कि जिनसे यूँ कहिए कि शहादत की किताब का पहला पन्ना खुलता है, मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। हम उन हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं जो दीन में इस्तिकामत का निशान है, और जवाल के अंदर, इब्तिला के अंदर, और फितने के ज़माने के अंदर दीन पर इस्तिकामत किस तरह दिखानी है और दीन की अकदार को प्रिजर्व किस तरह रखना है, ये उस कामिल हमें मिलता है।
जो असहाब हुसैन हैं, जो अरबाब करबला हैं। जुनैद साहब, जब हम मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानियों को देखते हैं तो जैसे अभी ज़िक्र भी हुआ, तो ये इसका शजरा बहुत ऊपर तक चला जाता है। जिस जिस वक्त कुफार मक्का हज़रत अबू तालिब के पास आए और उन्होंने कहा कि हम ये ऑफ़र करते हैं, आप अपने भतीजे को समझाएं कि अपनी दावत से पीछे हट जाएं, तो उस वक्त सैयद अबू तालिब ने आपसे सल्लम को फरमाया कि बेटे भतीजे इनकी इस बात पे गौर कर लो। तो आपने फरमाया, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज ला के रखते हैं, मैं अपने रास्ते से ना हटूँगा ता वक्त के मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ या अपनी जान से चला जाऊँ। बिल्कुल। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, फिर ठीक है भतीजे, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जिस वक्त यजीद के बरसर इक्तदार आने के बाद हालात बदले और दीन की अकदार को खतरात दरपेश हुए, इमाम पाक ने एक स्टैंड लिया और दरमियान में कूफा वाले जब आए, कूफा जाने का फ़ैसला किया, पता था आगे क्या होना है। अब देखिए, बनू हाशिम और मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है, आपने मशवरा किया, अकाबरीन ने आपको मशवरा दिया आप मक्का में रहें, यहाँ अपनी खिलाफत की मुहिम चले। आपने फरमाया, नहीं, मैंने जाना है। बनू हाशिम थे जिन्होंने काम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला करें। अल्लाह, यहाँ भी इमाम पाक ने वही फरमाया कि मैंने अब अज़म कर लिया है, यानी जान जाती है तो जाए। जिस तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को जवाब दिया था, वही यजीद के इक्तदार के सामने मौक़िफ़ था इमाम हुसैन का। अल्लाह। और जिस तरह सैयद अबू तालिब ने आप सल्लम का के साथ खड़े हो गए कुफार मक्का के सामने, बनु हाशिम खड़े हो गए यजीद के मज़ालिम के सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप तसव्वुर करें उस वक्त तसलसल कैसे आपको नजर आ रहा है, क्या अच्छा रब्त कायम कर रहे हैं, क्या उसवा है। और फिर जिस वक्त कूफा वालों के खतूत आने शुरू हो गए, मुझे बताएं क्या वो खतूत वाहिद मालूमात थी इमाम पाक के पास अहले कूफा की? ना ना, देखें, आपने खिलाफत का पूरा जमाना देखा सैयद अली मुर्तजा का, बिल्कुल ठीक, सारे हसन के सारे हालात का आप हिस्सा थे। आप कूफा के एक एक शख्स, कूफा के अकाबरीन, कूफा के सरदारों के एक एक शख्स की नफसियात से आगाह, जी मेंटल अप्रोच जानते थे, आपको पता था। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त उनकी तरफ से दावत आ गई, अब आपने फरमाया इस पे लबैक है कि उनके पास जाना मेरी दीनी जिम्मेदारी बन, बल्कि बाबा जान के साथ जो उनकी बेवफाइयां थी वो भी आपके सब कुछ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, पूरी खिलाफत का जमाना उन्होंने देखा, बिल्कुल वो साथ थे। अब आपने क्या किया, पता था वहां क्या होना है, उस शख्सियत को भेजना दरकार था जो इस्तकामत का कोहे गरां होती। अल्लाह, वहां जाके कोई भी हालात हो वो डगमगाए ना, तन्हे तन्हा। अब आपने उसके लिए किसका इंतखाब किया, मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया और साथ जो खत भेजा उसमें लिखा, मैं उस शख्सियत को भेज रहा हूँ जो मेरा भाई है, अल्लाह, मेरा चचाजाद है और मेरे असहाब में से, मेरे आले बैत में से मेरा काबिल एतमाद फर्द है। अल्लाह, यानी आप देखें कि क्या उनके ऊपर ट्रस्ट था इमाम पाक का। अल्लाह, कि कुछ भी हो गया जो मेरा मैसेज है, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा मिशन है, उससे इसने मुतजलजल नहीं होना। अल्लाह। अब जब इमाम पाक पहुंचे वहां पर तो लोगों ने आके बैत करना शुरू किया। आप मुख्तार बिन अभी उबैदुल्ला सकफ़ी के यहाँ आपने क्याम फरमाया और 10,000 से लेकर 30,000 तक अफराद हिस्ट्रिया में बताती है जिन्होंने बैत कर ली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नुमान बिन बशीर जो थे वो गवर्नर साहबी रसूल जी और उनके दिल में आले बैत की बड़ी इज्जत थी जी, तो उन्होंने खामोशी अख्तियार की। हत्ता के यजीद के कारिंदे उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा, या तो आप कमज़ोर हैं या कमजोरी दिखा रहे हैं, आपके सामने क्या हो रहा है और आप खामोश बैठे हैं। जी जी, जी। उन्होंने फरमाया, मैं ऐसा कोई स्टेप नहीं लूंगा जिससे मुझे आखिरत में शर्मिंदगी। अल्लाह। उन लोगों ने यजीद को खत लिखा, गवर्नर साहब तो खामोश बैठे हैं, आप ही कुछ करें। अब इब्ने ज़ियाद की एंट्री होती है, एंट्री हुई, उसकी नामजदगी बतौर गवर्नर हुई। और जब वो आया, आती उसने नुमान बिन बशीर को माजूर किया और इक्तदार संभाला। अब हालात बदल गए। जब हालात बदले तो अब जिस तरह से उसने लोगों को थ्रेट किया, जो आज के ज़माने के अगले लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो अख्तियार की, बिल्कुल ठीक, तो उसने पूरे अहले कूफा को अपने साथ मिला लिया। वफादारियाँ तब्दील होना शुरू, तब्दील होनी शुरू, बिल्कुल। अब इमाम पाक ने एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर बदलना शुरू किया। हानी इब्ने उरवा के घर आप गए, 80-90 साल की शख्सियत, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर जुल्म किया गया, तशद्दुद तक उनका सर कलम कर दिया। बल्कि वो देखे ना, 30,000 की जो स्ट्रेंथ आप बता रहे हैं, वो रह के फिर 12 लोग रह गए थे, मगर आखिर में तो शाम के वक्त कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं, तन्हा थे, सब पीछे तन्हा फिर रहे थे, बिल्कुल ठीक, कूफा की गलियों के अंदर। अब आप देखें, जरा तसव्वुर करें, ऐसी बेसरो सामानी के आलम में आपकी इस्तकामत में लग्जश नहीं आई। ये इमाम पाक का इंतखाब था और उस वक्त भी इमाम पाक की फिक्र थी, इमाम पाक की फिक्र थी कि किसी तरह से मैसेज भेजा कि आप ना आए, कूफा का माहौल बदल चुका है। हत्ता कि आप गिरफ्तार हुए और फिर आपको कसर इमारत पर से गिरा दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। तो ये पूरा एक जो तसलसल है इमाम मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत का, जो नैसब हम देखते हैं,
इसमें जो सर फहरिस्त चीज़ है वह आपकी कमिटमेंट है, अल्लाह आपकी इस्तकामत है, जिसके ऊपर आपने अपनी जान, अपनी औलाद और अपने शहजादे सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला से पहले जो पहला पन्ना लिखा गया वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत का, और फिर जैसे ही दूसरे वर्क पे निगाह जाती है हमारी तो फिर आप ही के घर से शहादतों का आगाज़ हो रहा है। आपके दो शहजादे, दो फूल, उनको शहीद कर दिया गया। ज़रा मैं चाहता हूँ उनकी भी दर्दनाक कहानी जो है उज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला, जिस तरह आपने खुद इरशाद फरमाया कि ये जो सिलसिला है खैर बरकत का, वफा का, कुर्बानियों का, ये हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, और आपके जो मशहूर अशार हैं जो आपने मक्के के चौक में खड़े होकर उन सारे सरदारों को सुनाए थे, आपने इरशाद फरमाया वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमईहिम हत्ता उवस्सद फित्तुराब दफीना, कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम तुम कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि मैं ज़मीन में दफन कर दिया जाऊँ। और एक और मौके पे आपने इरशाद फरमाया कज़ब तुम व बैतिल्लाह नुब्ज़ मुहम्मदा वलम्मा नुताइनु दूनहु व नुनादिली, कि तुम झूठ बोलते हो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के घर की कसम, कि मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा, सिर्फ मैं नहीं मेरी आने वाली नस्ल में से जब तक आखिरी फ़र्द भी ज़िंदा होगा तुम मेरे मोहम्मद तक नहीं पहुँच सकते। व नुस्लिमो हु हत्ता नुसर्रा हौलहु व नज़हला अन अबनाइना वल हलाइली, कि हम सारे मोहम्मद रसूल अल्लाह का दिफा करेंगे। ये हज़रत अबू तालिब ने इरशाद फरमाया था, जो आपके सारे बेटों ने, हज़रत अकील ने, जनाब जाफ़र ने, मौला का इनात शेरे खुदा ने, हैदर करार ने, फिर आपके पोतों ने, हत्ता कि आपके पड़पोतों ने, यह करबला में साबित करके दिखाया कि हमारे दादा परदादा ने मक्का के चौक में जो वादा किया था अपने आका के साथ वफा करने का, आज हम उसे पूरा कर रहे हैं। अल्लाह, और ये फैज़ान यूँ भी नज़र आता है कि आका करीम ने इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, कि हज़रत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह के साथ वफा की थी और आज उनके पोते और पड़पोते जनाब हुसैन से वफा कर रहे हैं, क्योंकि आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, तो ये हुसैन के वास्ते से हकीकी तौर पर जनाब रसूलुल्लाह के साथ ही वफा हो रही है, और आपके पोते और पड़पोतों के ज़रिए यूँ ही लगता है कि जैसे जनाब अबू तालिब ही वफा कर रहे हैं, यानी सिर्फ चेहरे बदलते हैं ना, ना किरदार बदलता है, ना लहजा बदलता है, ना उसलूब बदलता है, ना वफा बदलती है, और एक वक्त आएगा कि हम शहंशाह कुर्बानियों का अंदाज बदलता है। हजरत गाजी अब्बास अलमदार पे मुफसल बात होगी, आप शहंशाह वफा हैं। आपके लिए सिर्फ एक जुमला में अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हमें जगह जगह दानिशगाहें नजर आती हैं, तालीम गाहें नजर आती हैं, यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं, और यूनिवर्सिटीज का निजाम चलाने के लिए हमें वाइस चांसलर नजर आते हैं, लेकिन अगर दुनिया में वफा की कोई एक भी यूनिवर्सिटी होती तो उसका शहनशाह और उसका वाइस चांसलर मौला गाजी अब्बास होते। आपने ये साबित किया है कि देखिए अब वो नज़र हटा लीजिए कि आप समझे कि सारे बरादराने यूसुफ की तरह बर्दाव करेंगे, बरादराने हुसैन भी ज़रबुल मिसल बन गए हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ऐसा ही है। तो हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील तो आपके सगे भाई भी नहीं हैं, आपके चचाजाद हैं। आप रिश्तों की बात कर रहे थे ना अपने इंट्रो में, जरा देखिए चचाजाद भाई, आज के जमाने में तो ये रिश्ता रह ही कोई नहीं गया, लेकिन वहां कैसे साबित किया। और आपने इशारा अभी भी किया ये आखिरी बात में कि जब आप दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने आखिरी वसीयत ये फरमाई कि मेरे मौला हुसैन को बता दें कि हालात बदल गए हैं और आप तशरीफ ना लाएं। उस वक्त भी उनकी फिक्र थी, सफारत का हक अदा किया है अपने कौल से भी, अपने फेल से भी और अपने अमल से भी, और अपनी जान, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपके दो साहिबजादे जो आपके साथ आए थे, एक का नाम जनाब मोहम्मद और दूसरे जनाब इब्राहिम, अब मैं मोहम्मद और इब्राहिम की नस्बत से यह अर्ज करूंगा कि इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी कि जनाब मुस्लिम ने मोहम्मद भी कुर्बान कर दिए, इब्राहिम भी कुर्बान कर दिए। अब जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और इस्लाम की बका के लिए सारा कुछ हो रहा था, और ये दोनों साहबजादे काजी शुरैह के घर में थे जब यह खबर पहुंचती है कि हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब दोनों से जब्त ना हुआ, कम सिन थे और मुख्तसर सी अभी ज़ाहरी उनकी उम्रें थी, हयात तैयबा मुख्तसर थी, कादी शुरैह ने अपने बेटे असद के ज़रिए इन्हें रुख्सत कर दिया ताकि ये दोनों महफूज रह सकें, और कूफा से मदीना जाने वाला जो रास्ता था और वहाँ से जो काफ़िले जा रहे थे वहाँ तक पहुँचाया। बहरहाल ये तदबीर और तकदीर की लड़ाई और जंग चल रही थी, तकदीर बहरहाल गालिब रही, हर मामले में गालिब रही और तदबीर ना हो सकी, और रात गुजरी वहाँ
और काफिला बिछड़ गया, दोनों बच्चे पीछे रह गए। अब इब्ने ज़ियाद ने अपने कारिंदे भेजे, वो वहाँ तक पहुँच के इन दोनों को पकड़ा गया, इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया। तो उसने कहा कि मैं यजीद को पूछूंगा कि इन्हें ज़िंदा रखना है या फिर इन्हें भी शहादत देनी है, तो उस वक़्त तक मैं इन्हें जिंदान खाने में डालता हूँ। अब जिंदान खाने में वहाँ जो सुपरिटेंडेंट था, यानी सुपरिटेंडेंट जेल हम जिसे कह सकते हैं, उसका नाम था मशकूर। और जुनैद भाई, हम उस मशकूर के शुक्र गुज़ार हैं कि उसे समझ आ गई कि यह ख़ानदान कौन सा है और इनके खून की हुरमत क्या है। और उसने फिर अपनी अंगूठी देकर इन दोनों को जिंदान खाने से आज़ाद किया और कादसिया की तरफ इन्हें रवाना कर दिया। वहाँ उसका भाई था, उसने कहा यह मेरी अंगूठी ले जाना और आप कादसिया चले जाइए। फिर वही मामला हुआ, कादसिया ना पहुंच पाए और वहाँ एक दलीज पानी भरने आई थी, उसने देखा कि दो शहजादे हैं, खूबसूरत हैं, कम सिन बच्चे हैं, वो साथ ले गई, अपनी मालकिन को दिया। मालकिन ने सबसे पहले जब उन दोनों बच्चों को करीब से देखा तो उसने कहा मुझे ये बताइए कि तुम्हारा ख़ानदान कौन सा है, क्योंकि तुम्हारे दोनों के अजसाम से और वजूद से मुझे जो खुशबू आ रही है, ये खुशबू मैंने जिंदगी भर कभी हाशमियत की खुशबू है, ये हाशमियत की खुशबू है, ये मोहम्मदियत की खुशबू है। तो कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह मौला कायनात शेरे खुदा के घर से है। तो उसने फिर उन्हें अपने घर में ले गई। अब अजीब मामला है, वो मोहब्बत करने वाली है और उसका बदबख्त खामन था जिसका नाम हारिस है, वो सारा दिन अब फिर रहा है कूफे के कूचाओ बाज़ार में इन दोनों शहजादों को तलाश करने के लिए। रात को उन्हें ख्वाब आता है, देखा कि ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, जनाब मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ लाए, मौला अली तशरीफ़ लाए, इमाम हसन तशरीफ़ लाए और उन शहजादों को लेने के लिए आए। अब दोनों बच्चे उठे, वो गले लगते हैं और आंसू निकल रहे हैं, सिसकियाँ भर रहे हैं। अब उसकी आँख खुल गई, उसने देखा कि ये दोनों बच्चे हैं। फिर वो वाकया हो गया कि शायद उनको अल्फाज में बयान करना ये हमारे बस की बात नहीं है। और मैं अक्सर यर्ज़ किया करता हूँ कि इन हस्तियों का जब ये शहादत का तज़किरा करना हो तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम से हमें खैरात लेनी चाहिए, क्योंकि कज़्मुल गैज़ की वो कैफियत जब तक आप पे गालिब नहीं होगी, आप इन हस्तियों की इन दर्दनाक शहादतों का तज़किरा करने के काबिल नहीं हो सकते। आप ये बात दुरुस्त है नाज़रीन, बहुत सही बात आपने फरमाई है। आप करबला को बयान करने वाले बयान तो करते हैं, लेकिन आप करबला की हिद्दत और शिद्दत को बयान नहीं कर सकते साहब। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में, उनके हाल की बारगाह में पेश कीजिए। अभी तो बात मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की हो रही है ना, उनके दो और जिगर पोशे रिवायतों में आता है कि जिन्होंने करबला के मैदान में अपने आप को इमाम अली मकाम पे कुर्बान किया। और फिर आपको बतलाएंगे औलाद अकील अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने किस अंदाज से इस सफ़र में वफादारियाँ निभाईं और अपनी कुर्बानियों के नजराने पेश किए। दुरूद पाक पेश कीजिए। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, करबला का मैदान जो है वो कई एक पैगामात अपने दामन के अंदर समोए हुए, और उसमें एक बात जैसा कि मैंने इब्तिदा में कही थी कि रिश्तों को निभाया कैसे जाता है, कोई जाके करबला से पूछे साहब, तो आपको पता चलेगा कि रिश्ते दिपते कैसे। आज चूँकि ज़ाहिर है हम बनू हाशिम के किरदार पर बात कर रहे हैं, ख़ानदान बनू हाशिम के किरदार पर कि वाकई करबला में उनका किरदार क्या रहा, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफ़िक जहन में रखिएगा कि आज हम जनाब अकील अलैहिस्सलाम, जनाब जाफ़र अलैहिस्सलाम और मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की गैर फातिमी औलादों का जो किरदार है उस पर बात कर रहे हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की औलादों, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की औलादों पर हम इंशाअल्लाह अलग से प्रोग्राम करेंगे। अब सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और ज़रा ये बताइए कि एक तो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर दो शहजादे भी शहादत का जानबूझ कर लेते हैं करबला से पहले। रिवायतों में आता है दो शहजादे और आपके वाकई करबला में, यानी करबला के मैदान में शहादत का जानबूझ करते हैं, उस पर गुफ्तगू कीजिए। और फिर जो दीगर औलाद अकील अलैहिस्सलाम का किरदार रहा है बतलाइए ज़रा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। देखिए करबला के जितने भी शहदाए किराम हैं इनमें से एक एक फ़र्द ऐसा है कि तारीख़ के रकम, तारीख़ के औराक पर उनका नाम जिन सुनहरी हरूफ के साथ रकम है, कयामत तक उसकी कोई और मिसाल पेश नहीं की जा सकती। बल्कि अगर इस बात को मैं यूं कहूं कि जैसे आका अलैहिस्सलाम के जुमला सहाबा किराम में जितनी भी गजवात और सराया हुई, असहाब बद्र जैसा कोई ना हुआ, उनको हमेशा फजीलत रही जनाब। तो इसी तरह अब आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद और हयात ज़ाहरी के बाद ये जो वाक़िया करबला है इसमें जो शुहदाए करबला हैं इनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं का फैज़ और उन्हीं का अक्स बनाया है
कि इन जैसा फिर कोई ना हुआ, इनको अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई। और फिर इन शुहदाए करबला के अंदर फिर जो किरदार, जो कुर्बानी, जो अजीमत, जो इस्तेकामत बनू हाशिम के अफराद की और हस्तियों की आती है, वो तो यकीनन ऐसी है कि रहती दुनिया तक आपके लिए, मेरे लिए ईमान की एक रोशनी है, हिदायत का एक पैगाम है, और उसी से लोग हिदायत पाते रहेंगे और हक के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। जब हम देखते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, आपकी शहादत हो गई जैसा कि तज़किरा हुआ नहायत खूबसूरत अंदाज़ में, फिर आपके दो साहबजादे जो कम सन थे, फिर उनकी शहादत होती है, और साहिब और आलाम से गुजरे मोहम्मद और इब्राहिम। तो इसी तरह आपके दो शहजादे और हैं जिनका तज़किरा हमें मिलता है कि उन्होंने मैदान करबला के अंदर, वो इमाम आली मुकाम के साथ थे और उन्होंने वहाँ जाम शहादत नोश किया। उनमें एक सैयदना अब्दुल्ला बिन सैयदना मुस्लिम बिन अकील, और आपके बारे में आता है कि आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 13 साल भी रिवायत हुई है, और 13 और 18 के दरमियान मुख्तलिफ रिवायात भी आई हैं। अब 13 साल की उम्र मुबारक हो और आप अपनी वालदा मोहतरमा के साथ उसी काफिला के अंदर हैं जो मदीना पाक से चला है मक्का की तरफ, मक्का से चला है फिर करबला की तरफ, और साफ जहर है कि आप जब साथ हैं तो आप देखिए कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहाँ भी किरदार अदा कर रहे हैं और उनके साहबजादे, और फिर आपके साहबजादे इमाम आली मुकाम के साथ भी उस वफा को निभा रहे हैं और उस कुर्बानी की एक नई दास्तान अल्लाह रहे हैं। अल्लाह। और आपकी जब बारी आती है, जब आप हाजिर होते हैं इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके कदमों में अपनी जान को निछावर करूं, और ये जो सामने खड़े हैं मद्दे मुकाबिल बातिल की तस्वीर बन के, इनकी आँखों में आँखें डाल के इनको ललकारा जाए और कयामत तक हक का एक ऐसा झंडा सरबुलंद किया जाए कि हक को भी जिस पर नाज हो, तो आप इजाज़त तलब करने के लिए आते हैं। तो इमाम अली मुकाम रदील्ला तहु सलाम आपकी आंखों के सामने तो रूहानी एतबार से, बातनी एतबार से वो मनाजिर भी आ जाते हैं कि इनके वालद गिरामी हज़रत मुस्लिम ने किस तरह से कुर्बानी दी, तो फिर आप बहरहाल इजाज़त देते हैं उन्हें। और जो ही हज़रत सैदन अब्दुल्ला मैदान कारजार में उतरते हैं, आपने अपनी जवा मर्दी के वो जौहर दिखाए कि जिस सिमत भी आप तलवार लहराते हैं तो मद मुकाबिल यजीदी लश्कर में से कोई भी सामने ठहर नहीं पाता है। 13 बरस की उम्र, 13 वर्ष की उम्र मुबारक है, लेकिन बहरहाल आपने कईयों को वासिल जहन्नम किया, और लेकिन बिल आखिर आपने जब जाम शहादत नोश किया, आपके बारे में यह भी मिलता है कि जिन्होंने आपको शहीद किया, जिन बदबख्तों ने, वो अबू जरहम इज़दी और लकीत बिन अयास, और दो और नाम भी हो सकते हैं, मगर ये कि ये मारूफ नाम यही आए हैं कि जिन्होंने आपको शहीद किया, और साफ ज़रे वो ख़ुद तो वासिल जहन्नम हुए, तो इतना बड़ा उन्होंने जब काम सरंजाम दिया। अब इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला के साथ फिर आपके दूसरे साहबजादे हैं, उनका नाम मुबारक जो है वो अब्दुर्रहमान भी आया है और मोहम्मद भी आया है, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील। अब आपकी जो शहादत है वो भी इसी तरह से होती है, फिर वो इजाज़त लेते हैं, फिर वो भी शहीद हो जाते हैं, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ये साहबजादे शहीद होते हैं, फिर हज़रत अकील अलैहिस्सलाम की जो आल है पूरी, अगर उस एतबार से अगर हम देखें जैसा आपने सवाल में भी फरमाया, तो हज़रत जाफिर बिन अकील हैं, आप भी जाम शहादत नोश फरमाते हैं, फिर हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने अकील हैं, आप भी जाम शहादत नोश फरमाते हैं, और पूरी आले अकील ने यूं कुर्बानी दी है कि फिर आपके ख़ानदान में से कोई भी मर्द धरती पर बाकी नहीं रहता, सिर्फ उनका जिक्र रहता है, उनका नाम रहता है, उनका तज़किरा रहता है, और जो कुछ मौजूद है सभी कुछ उनका है, जो दीन मौजूद है ये दीन भी उन्हीं के सदके से है, मगर खुद उन्होंने जान देकर आका अलैहिस्सलाम के खानदान होने का वो नमूना पेश किया कि जो अपनी मिसाल। अल्लाह, डॉक्टर साहब, बनू हाशिम में एक किरदार है कि जो आज भी, मतलब मैं इस लम्हे मौजूद की अगर बात करूं तो मेरा तयक्कुन है इस वक्त भी जन्नत में परवास कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने दो पर अता किए हैं आपको, सुभान अल्लाह, और सरकार अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो के मतलब उनके सलाम का जवाब देते हैं, तो वो हज़रत जाफ़र, जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानियों का जिक्र कीजिए ख़ास तौर पर, और फिर ज़ाहिर उनकी औलादों ने जो कुछ करबला के मैदान में बो दिया है साहब, वो रहती दुनिया तक जो है एक मिसाल है, बतलाइए। ये जो ऐसा वो खानवादा बनी हाशिम का जिक्र हो रहा है कि किस तरह से इस ख़ानदान के एक एक फ़र्द ने इमाम पाक के साथ के का हक अदा किया,
वफाओं का हक अदा किया और कुर्बानियों की एक दास्तान रकम कर दी, एक तारीख रकम कर दी। यही सूरत आल हज़रत जाफ़र तैयार की भी है। जुनैद साहब, अगर आप हज़रत जाफ़र तैयार की शख्सियत को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हज़रत इमाम पाक ने मुस्लिम बिन नकील को सफ़ीर बना के भेजा था, हज़रत जाफ़र तैयार इस्लामी तारीख के पहले सफ़ीर हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त हबशा के अंदर सारा मामला हुआ, पहली हिजरत हुई, और किस तरह कुफार मक्का पूरा एक प्लान करके जी? पूरे तहाइफ लेके, पूरा जिसको कहते हैं ना एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ नजाशी के दरबार में गए। और नजाशी का नाना आप अच्छा, अब उसने जब बुलाया तो जो वहाँ पे अहले ईमान मौजूद थे उन्होंने अपना तर्जमान बनाया हज़रत जाफ़र को। जो हज़रत जाफ़र तैयार ने वहाँ खिताब किया, उस खिताब को इस्लाम का खुलासा कहा जाता। अल्लाह, अगर इस्लाम की तालीमात की एक माइक्रो कापी तैयार करनी हो, वो माइक्रो कापी जाफ़र तैयार का वो खिताब है जो नजाशी के सुभान अल्लाह सुभान। और ये एक माइक्रो कापी सिर्फ विद इन मुस्लिम वर्ल्ड नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उसमें क्रिश्चियनिटी भी डिस्कस हुई। हाँ, और फिर सिफारतकारी का जो उसमें कंडक्ट, किस तरह से आपने वो कैसा क्या किया कि बावजूद इसके कि सिर्फ कुफार मक्का ही की मुजाहमत का सामना ना था, बल्कि नजाशी के दरबार में मौजूद ईसाई उलमा की मुजाहमत का सामना भी था नजाशी को, लेकिन जाफर तैयार की शख्सियत और आपका वो पुरअसर बयान और आपकी वो कन्विंसिंग पावर कि नजाशी ने कहा भी इनको तो मैं आपके साथ नहीं भेजूँ। अल्लाह, मैंने एक जुमला कहा था कि सिर्फ आले जाफर तैयार नहीं, खानवादा जाफर तैयार की कुर्बानियों का जिक्र करें भाई, सुभान अल्लाह। खानवादे में ज़ैनब भी हैं, अल्लाह अल्लाह, जो अब्दुल्ला इब्ने जाफर की अहलिया, अल्लाह, इन्होंने वही कारनामा अंजाम दिया जो जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में अंजाम दिया था। और वो यहाँ भी और वहाँ भी है, सुभान अल्लाह। तो ये सुभान अल्लाह, यानी जिस तरह नजाशी के दरबार में इस्लाम की वकालत की जाफर तैयार ने, यजीद के दरबार में इस्लाम की वकालत, जुल्मत का दाग है, जुल्मत का दाग है, यजीद का जुल्मत, जुल्मत का दाग, जुल्मत जो भी, यानी उसमें इस्लाम की वकालत किसने की, मिशन हुसैन की वकालत किसने की, सईदा ज़ैनब ने की। तो ये जो खानवादा जाफर तैयार है, इसकी कुर्बानियाँ अगर आप देखें तो इन कुर्बानियों ने तसलसल दे दिया करबला को। अल्लाह, क्या रब कायम कर रहे हैं, यानी कि करबला का जो मैसेज था उसकी कंटिन्यूटी वो खानवादा जाफर तैयार की बरकत से, उनकी काविशों, उनके विजन, उनकी बसीरत, उनकी हिम्मत, उनकी जुरत और उनकी इस्तेकामत, उनकी कमिटमेंट, उनका इखलास, वो आज तक बोल रहा है कि हम भी यहाँ बैठ के करबला को डिस्कस कर रहे हैं और इमाम पाक के मैसेज को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस डिस्कशन का शजरा नसब जाके मिलता है जाफर तैयार के खानवादे के साथ। सुभान, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर की ये बरकत थी कि आपने हज़रत ज़ैनब को ख़ुद भेजा, उसके बाद आपके बेटे हज़रत मोहम्मद इब्ने जाफर कुर्बान हुए, हज़रत आउन इब्ने जाफर कुर्बान हुए, और जब हज़रत मोहम्मद इब्ने जाफर कुर्बान हुए तो उनको उठा के लेके गए इमाम पाक। जब लेके गए तो हज़रत सईदा ज़ैनब ने देखा तो उन्होंने उस पर स्वाय शबर शुक्र के कुछ नहीं किया। यानी जिस अंदाज से एक एक फ़र्द हज़रत जाफर तैयार के ख़ानदान का कुर्बान होता चला गया, हमें ऐसे लगता है जिस तरह ग़ज़वा मौता के मौके पे हज़रत जाफर तैयार ने अपने बाजू कुर्बान करके इस्लाम के आलम को गिरने नहीं दिया, आए हाय, उनकी औलाद ने मैदान करबला में इस्लाम के आलम को गिरने नहीं दिया, इस्लाम के आलम को गिरने नहीं दिया, बल्कि उसको सरबुलंद रखा अल्लाह, और उसकी आबियारी अपने लहू से की, उसकी इस्तेकामत को सहारा अपने कटते हुए जिस्मों से दिया, अल्लाह, अपने कुर्बान होते हुए सरों से दिया अल्लाह। तो ये वो खानवादा है जिसने हमें एक वफाओं का मैसेज दिया, एक इस्तेकामत का मैसेज दिया कि किस तरह से उस दौर के अंदर जबकि फितनों की आंधियाँ दीन के चिराग को मदम करने के दरपे हों, आप उन फितनों से ना घबराएं, उनकी ताकतों से ना घबराएं, बल्कि इस्तेकामत के साथ दीन की जो अकदार हैं, आप सल्लम का जो मिशन है, आप सल्लम का जो दीन है, आप सल्लम की जो तालीमात हैं, उसके चिराग को अपने लहू का तेल दे के सरबुलंद रखें, रोशन रखें और कायम दायम रखें। अच्छा, ये पूरी तारीख जो है अगर आप देखें, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब ऐलान नबूवत ज़ाहरी तौर पर सरकार ने फरमाया 40 बरस की उम्र में, उस वक्त से लेके 61 हिजरी तक ये तकरीबन 74 बरस बनते हैं, यानी ये कह देना बहुत आसान है। लेकिन आप ये देखिए कि आले जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी और ख़ास तौर पर जनाब जाफ़र अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें, ज़ाहिर ये पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, ये 74 बरसों पर मबनी है, ये कोई आम बात नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, बरस दो बरस की बात नहीं है, जो ऐसा गुजारिश है, ये एक आजमाइश का और जो दीन के पौधे को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए जिद्दोजहद का एक तसलसल है। हाँ,
एक दौर है, एक मुसलसल दौर है जिसमें हम देखते हैं कि आले बैत अतहार इस्तिकामत के साथ उस शजर की जिसको आप सल्लम ने जिसको सुम्मत के लिए लगाया उसकी शादाबी के लिए आले बैत अतहार डट के खड़े हैं और कुर्बानियों के साथ उसका तहफ़ कर रहे हैं। वह ना कि एक मोहम्मद दुश्मनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मोहम्मद दुश्मनी क्या क्या क़यामत ढा गई कि बदर की हद बढ़ते बढ़ते करबला तक आ गई। डॉक्टर साहब, आखिर में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का हम जिक्र तो ज़ाहिर अलग से करेंगे और पूरा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह उनकी बारगाह में पेश करेंगे। मौलाए कायनात की जो गैर फातमी दीगर गैर फातमी औलाद है, ज़रा उनका उनका जो किरदार रहा दौरान सफ़र और ख़ास तौर पर मैदान करबला में जो उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, अगेन वही बात अल्फाज नहीं है, जज्बात पेश कीजिए। जी जुनैद भाई, गुफ्तगू यकीनन बड़े हसास मोड़ पर आ गई है और अभी जो आपने शेर पढ़ा यकीनन उसमें आप यही कहना चाह रहे हैं कि दावत ज़ुल-अशीरा से ले कर करबला तक जहाँ भी हम देखेंगे हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही हमें नज़र आते हैं, आपका फिजान नज़र आता है, हज़रत जाफर के बाजू कटे हैं तो वो भी आपने बाबा का वादा पूरा करने के लिए थे। ऐसा ही क्या आपने रसूलुल्लाह को इरशाद फरमाया इज़हब या इब्ना अखी फकुल मा अहबबता फ़अल मा शेता, फरमाया मेरे बेटा उठो जो करना चाहते हो करो, जब तक अबू तालिब तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई बाल भीका नहीं। जी ऐसा ही, ऐसा ही वो मैंने सरनामा कलाम में ये तो बात कही, हर जगह यही कुर्बानियाँ हमें नज़र आती हैं। तो आपके बरादरान का आखिर में वो मरहला आ गया कि जब उनकी कुर्बानियाँ होती हैं तो उनमें सबसे पहले आपके भाइयों में से जो हस्ती मैदान कारजार में जाती हैं उनका मुबारक नाम है अबू बकर बिन अली, हज़रत सैयदना अबू बकर बिन अली सबसे पहले जाते हैं। तो अबू बकर थे तो फिर उन्होंने सबसे पहले जाना था क्योंकि अबू बकर ही अव्वल होते हैं, वही सबसे पहले जाते हैं। तो आपने जाके सबसे पहले कुर्बानी दी वालिदे गिरामी मौला कायनात शेरे खुदा और इनकी वालिदा माजिदा हजरत लैला बिनते मसूद हैं अलैहिस्सलाम, जिनके बतने वजूद बतने पाक से इनका मुबारक वजूद हमारे सामने आता है। तो आपने फिर इजाज़त मांगी हजरत इमाम शुहदा से, सैयद शुहदा से, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो आपने इजाज़त अता फरमाई। तो जाते हुए फिर आपने जो अशार पढ़े उनमें से एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर बिन अली वहाँ जा कर इरशाद फरमाते हैं हाजा हुसैन इब्न नबीयिल मुरसल, कि ये हुसैन हैं और ये नबी के बेटे हैं, हम अली के बेटे हैं ये नबी के बेटे हैं। ये सरकार अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 50 बरस बाद जनाब अबू बकर फिर यही शेर पढ़ रहे हैं, यूँ कह लीजिए जनाब अबू बकर बिन अली, और कहते हैं अन हो नुहामी बिल हुसामिल मुस्कल, अपनी तलवार लहराई तो कहा इस तलवार के साथ हम मौला हुसैन का दिफा करने के लिए यहाँ आए हैं, और 21 यजीदियों को आपने वासले जहन्नम किया और फिर एक मलून जिसका नाम जजर रिवायात में आता है उसके हमले से आप भी जाम शहादत नोश कर जाते हैं। फिर आपके दूसरे भाई जिनका नाम मोहम्मद बिन अली है और वो हज़रत खौला बिनते जाफर के मुबारक बतन से पैदा हुए, आपने इजाज़त मांगी, आपने अपने भाई को इजाज़त दी। तो ये सारे किस्से वफाओं के किस्से देखें, वे भी मोहम्मद हैं, वो भी मोहम्मद हैं, वो भी मोहम्मद हैं, तो ये कुर्बानियों का सिलसिला चलता जाता है और वहाँ तक जाकर पहुँचता है। फिर आपके तीसरे भाई जो के सगे भाई बनते हैं हज़रत गाजी अब्बास अलमदार के, उनका नाम उस्मान बिन अली है। क्या नाम है आप देखिए, उन्होंने इजाज़त मांगी, मौला ने इजाज़त अता फरमाई और जनाब उस्मान की उस वक़्त उम्र मुबारक 25 साल थी। अल्लाह अकबर, मैदान करबला में उम्र 25 साल है और आपने इजाज़त मांगी, इजाज़त अता फरमाई, 14 साल बराह रास्त तरबियत हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह से पाई। अल्लाह अकबर, और फिर मैदान जंग में जाते हैं और खौली ने आपको शहीद किया, आप शहीद हुए, लेकिन शहादत से पहले जो आपने अशार पढ़े वो ये थे कि इन्नी आना उस्मान ज़ुल मफाखिर व शेखी अली ज़ुल फ़ियाल ज़ाहिर व इब्न अम्मिन लिन नबी ताहिर व अखी हुसैन खीरतुल अखायर, कहने लगे कि हम अली के बेटे हैं, ये नबी के बेटे हैं, और अली कौन है, वो नबी अकरम के चचा जाद हैं, और मैं कायनात सारी को शहादत से पहले ये फतवा देना चाहता हूँ कि इस वक्त रुए ज़मीन पे सबसे बेहतरीन जो फ़र्द है उसका नाम हुसैन है अल्लाह, और उसके खातिर हम कुर्बान होने आए हैं। फिर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे भाई जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अली है, उनकी उम्र उस वक़्त 17 या 18 साल के करीब थी, आप जाते हैं मैदान जंग में, आप भी जाके शहीद होते हैं। तो ये सारा सिलसिला आपके भाइयों का, फिर उसके बाद वो वक्त आता है कि जिसमें हज़रत सैयदना गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मैदान जंग में जाते हैं। अच्छा, अब एक बात यहाँ रुक के ठहर के ज़रा लोगों को समझा दीजिए, और मैं समझना मैं भी चाहता हूँ और आप लोगों को समझाइए, आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, क्या वजह हुई ये मौलाए कायनात की मोहब्बत जनाब अबू बकर के नाम के साथ, जनाब उस्मान के नाम के साथ ऐसी
कि 50 बरस भी बाद भी जो है औलादों का नाम यही है, और जनाब इमाम हसन पाक उनकी जनाब अबू बकर के नाम के साथ और जनाब उमर के नाम के साथ रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ऐसी मोहब्बत के हसन पाक ने जो है अपनी औलादों के नाम भी रखे। देखिए जुनैद भाई, जब हज़रत उमर दुनिया से रुखसत हुए तो मौला कायनात शेर खुदा आए, आपके सरहाने खड़े हुए। हज़रत इबन अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने देखा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और आपने हज़रत उमर फ़ारूक के चेहरे पे हाथ फेरा, और मौला अली कहने लगे मैंने तो सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से ये सुना है कि आका फरमाया करते थे जे तो आना व अबू बकर व उमर, जहाब तो आना व अबू बकर व उमर, दखल तो आना व अबू बकर व उमर। मैंने रसूल अकरम से जब भी सुना तो आपने फरमाया मैं आया अबू बकर और उमर साथ थे, मैं गया अबू बकर और उमर साथ थे। यानी गोया आपने ये इरशाद फरमा दिया कि ज़ाहरी हयात तय्यबा में भी रसूल अकरम की हर वक्त मुसाहबत उन्हें हासिल थी और आज भी रोज़ा अतहर में वो मौजूद हैं। तो इसलिए वो ज़ाहरी हयात तय्यबा में मौला कायनात शेर खुदा ने ये मोहब्बतें देखी थी और अमली तौर पर फिर आपने साबित किया। और फिर इन हस्तियों ने भी जिस तरह हज़रत अबू बकर ने नबी अकरम के साथ मोहब्बत का हक अदा किया, इन्होंने मौला हुसैन के साथ मोहब्बत। अल्लाह करे कि हमें बात समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ़ लाए। किताब शिफा की जानिब आपको लिए चलते हैं कि रिस्क में खैर बरकत का वजीफ़ा। रिस्क में खैर बरकत के लिए रोज़ाना नमाज फजर के बाद सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 62 अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 313 बार पढ़ें, इंशाल्लाह रिस्क में बरकत हो जाएगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करता है उसकी औलाद भी उसके साथ नेक सलूक करती है, यह है फार्मूला। रोज़नामा 92 न्यूज़ में आज मज़मून ज़रूर पढ़िएगा, मोहब्बत हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम जुज़्व ईमान है। एक्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ सनाखा, सीनियर सनाखा जनाब हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। अपनी अपनी रूह से तजदीद अहद वफ़ा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वलदैहि व नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का और ख़ास तौर पर गज़ा के रहने वालों के लिए दुआ कीजिए, उनका हामी नासिर आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बनो हाशिम जो दिन इम्तहान करबल में आए थे, बनो हाशिम जो दिन करबल में आए थे, गिराने कुफर पर वो बिजलियां करबल में आए थे, गिराने कुफर पर वो करबल में आए थे। यजीदी फिक्र जब दी थी हदों को तोड़ने निकली, यजीदी फिक्र जब दी बचाने दी अली के नूर जान करबल में आए थे, बचाने दी अली के नूर जान करबल में आए थे। वो जिनसे दूर हर एक रिस है अल्लाह, फरमाया
वो जिनसे दूर हर एक रिश्ते है। अल्लाह ने फरमाया मिटाने गुम रही इसके सब निशान, करबल में आए थे मिटाने गुम रही के सब निशान, करबल में आए थे अबू तालिब अकेलो अबू तालिब अकेलो जाफर तैयार के प्यारे, वो साजिद दीन हक पासबां करबल में आए थे, वो साजिद दीन हक पासबां करबल में आए थे, गिराने कुफ्र पर वो बिजलियां करबल में आए थे।